गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने घर पर, पर थक चुके यार ट्रैवलिंग में कंटिन्यू ना, सिर्फ घूम रहा था तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैं ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि काम ही काम था। और ये है हमारी कज़न सिस्टर छोटे वाली नीलू नीलम ठाकुर फ्रॉम करसोग। तो गाइस अभी पहुंचे, अब लंच तैयार है। क्या बनाया हो लंच में? आओ लंच में क्या बनाए? दाल चावल। तो दाल चावल बना है तो दाल चावल खाते हैं हम। नए हैं अभी ऊपर और थोड़ी ठंड भी लग रही है यार, क्योंकि इस वाले एरिया से थोड़ा दिन में चली गई है धूप। और वो आपको दिखाई दे रहा है सामने वाला एरिया, वहाँ पे अभी भी धूप है। तो ये देखो बैंड बज चुकी है, बट मैंने फेस वॉश नहीं किया है, मैं शाम को ही करूँगी क्योंकि फिर दोबारा से काजल मुझे लगाना पड़ेगा, तो मैं शाम को ही धोऊंगी मुँह, अभी नहीं धोया मैंने। ठीक है, इसमें से अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आकर। ये स्टार्टिंग वाले लोग हैं, मार भी सकते हैं। साइड ही नहीं कर लूं कहीं मेरे को ठोक दिया ना। यस, जब तू सीख जाएगी ना उसके बाद देखिए इस वीडियो को, तेरे लिए ये एक चैलेंज है। पहली फर्स्ट टाइम इसने स्कूटी पकड़ी है, बट फिर भी गाइस ये थोड़ा सीख चुकी है, ये हमारा दीदी भी हीरो बन चुका है, इसको तो आ जाती है, ये बंदा ट्रेंड है। तो ये फिर से शुरू हो गई है। गई। ओए रिस्क मत लो। तो गाइस अभी हम थोड़ा सा ऊपर तक जाके आते हैं, जरा सुश की ड्राइव देख के आते हैं, जरा कैसी ड्राइव है इसकी। ऐसा ना हो तू सीधा उड़ान ही भर दे। वो भी लैंड भी नहीं है। वो भी टेंशन है। चलो देखते हैं टेस्ट ड्राइव। तेरी सीट ही बहुत पीछे है यार। ओए ये कहाँ जा रही है? ये कहाँ गई? ये कहाँ गई ऊपर? ये वाह। मम्मा जी को बोलो चढ़ा दो ऊपर। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope. क्या नाम है इसका? ब्रूनो। तो गाइस देखो आप, ब्रूनो पिटबुल है ये। वो पर काटता नहीं होगा ना अभी किसी को? मंथ का है? तीन महीने का है? क्यूट है। तो गाइस देखो पिटबुल। ओ को भी ये वाला डॉगी बहुत पसंद है। मम्मा कहते फिटबुल लेना, मैं कहा बस ना, मैं कोई घर में आएगा तो धक्का देगा। चलो अब हम धक्का देते हैं, बहुत प्यार करने का मन कर रहा ना देखो जब काटेगा ना। ठीक है, बाय 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 ब्रूनो, नाइस टू मीट यू, बाय बाय। तभी मैं टच नहीं कर रही थी भाई। गाइस अब चले हम घूमी घूमी करने रेलवे स्टेशन है ना। तो गाइस अभी हम जस्ट ऊपर पहुंचेंगे, एक मिनट लगेगा आई थिंक।
तो बहुत अच्छी जगह है। जस्ट आते हुए मैंने थोड़ा सा देखा था, नज़र मारी थी। वैसे ये दूसरा रास्ता है इसके घर से ऊपर जाने का, ये शॉर्टकट है। तो चलिए यार, थक गई वैसे तो यार। फाइनली हम पहुंच चुके रेलवे ट्रैक। अभी तो 5 मिनट है। पहुंच गई हूँ, तो आपको कुछ दिखाया मैंने, लुक तो काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये भी बहुत ही प्यारी जगह है। तो कुछ सवारी यहाँ पे खड़ी है। तो आप कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। तो ये दिल्ली के लिए खड़ी, कितने बजे आनी है आपकी ट्रेन? 12 बजे रात को। और अभी तो 6:15 हो रहे हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, यहाँ से आपको कालका जाना है पहले? ठीक है ठीक है ओके। मैं घूमने आयो? नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूं। ओके, कौन से हॉस्टल में? MMU। तो गाइज ये दिल्ली के ही है वैसे, और यहाँ पे आए हैं तो इसी बहाने आपको घूमना भी होगा। ओके, आफत को भी ले लीजिए। हेलो आफत, आफत है तुम्हारा नाम? क्या नाम है तुम्हारा? वाइंच। वाइंच। तो गाइज बहुत ही क्यूट बच्चा मिला मुझे अभी, जो शर्मा रहा है थोड़ा बहुत। शायद घर पे ये बिल्कुल भी नहीं शर्माता होगा। नहीं शर्माता ना इसकी घर पे चर चर जबान। अगर आप थोड़ा सा आप आगे जाएंगे ये बोलना शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इतना इंप्रेशन बनाता है। इसको मेरे साथ होना चाहिए था वैसे। ले जो हम तो चाहते हैं जा वीडियो बनाते हैं। अच्छा चलो ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट ऑफ जर्नी। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना आप लोग। अभी करोगे? अभी 1 मिनट। तो गाइस मेरे को यहाँ पे ना 3 सब्सक्राइबर, तीनों ही फोन यूज करते हो, तो 3 सब्सक्राइबर मुझे यहाँ भी मिल गए। ओके, पीछे फूल ही फूल है और बहुत ही शांत जगह है। तो ये भी दोनों मस्तियाँ मार रहे हैं। एंड देवांशु तो दिखता ही नहीं, खड़ा ही नहीं होता एक जगह। तो बहुत ही प्यारे से प्लांट्स है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट प्लांट है। ये थोड़ी बहुत मस्ती हुई और अब हम जाएंगे गेंदे के बगीचे में। गेंदे के बाग में जाएंगे हम तो। अच्छा है यहाँ पे, तो कुछ रील्स बना रहे थे हम। 1 2 3 ओके हो गया ना, फिर शटअप, फिर चल ऐसे। कौन क्या आई? 1 2 3 हाँ, 1 2 3 तो गाइस अभी मैं घर पहुंच गई हूँ, क्योंकि हम 6 बजे तक वेट कर रहे थे कि आएगी ट्रेन की, ट्रेन का भी थोड़ा सा शूट लूंगी, बट वो आई नहीं। कोई नहीं, अब मेरा तो आना जाना ही है यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगी। ठीक है, देखो दिवाली की तैयारियां हो रही हैं इनकी, और मेरा घर बेचारा अभी सूखा पड़ा है, उसको जाके सजाती हूँ थोड़ा। तो गाइज इसकी है ये दूसरी दिवाली,
अपने न्यू हाउस पे। तो मेरा इतना बड़ा हाउस कब बनेगा? मेरा ड्रीम हाउस मेरा ड्रीम हाउस भी बनना चाहिए, है ना? मैंने भी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, बन गया ना फिर भी। बट मेरा भी बन जाएगा बहुत ही जल्दी, बनना चाहिए मेरा भी ड्रीम हाउस, बहुत अच्छा सा प्यारा सा। ये देवांशु जी क्या लेकर आया तू? ओहो इतनी ठंड है क्या? जो आप ब्लैंकेट लेके आ गए तो गाइस तो देखो तो गाइस ये देखो मैंने ऑयलिंग कर ली है क्योंकि मेरे को लग रहा था काफी ड्राईनेस हो रही थी बालों में। तो गाइस ऑयलिंग मतलब 1 वीक में 2 टाइम तो होना चाहिए, 2x तो होना ही चाहिए। गाइस ये दोनों सो चुके हैं और जस्ट मैं भी सोने की तैयारी कर रही हूँ, बट पता है रात के कितने बज चुके हैं? रात के 1 बजने वाले हैं और मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो गाइस ये सब कुछ मैं आपके लिए करती हूँ, खुद के लिए भी करती हूँ, बट स्पेशली आप लोगों का ख्याल रखती हूँ मैं इसमें। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, सो बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। क्या बनने के लिए? एमएलए के लिए नहीं, पहले क्या करना पड़ता है? प्रधान बनना पड़ता है। पहले अपने घर सोसाइटी का प्रधान बनना पड़ता है, फिर उसके बाद तो पहले प्रधान तो बन जाओ उसके बाद ये मुझ गाइस तो गाइस दिवांशु मेरे को ना सजेस्ट कर रहा है किस चीज के लिए? एमएलए बनने के लिए। फिर बोल रहा है पर की सोसाइटी, अपने सोसाइटी का एक प्रधान तो बन जाओ पहले, फिर एमएलए बन जाना